अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ गांव से। मैं अपने ससुराल गई थी तो वहाँ हम लोग कुछ देर बैठने के बाद हमने ऑरेंज खाए और उसके बाद शक्करकंदी खाई। और खाने के बाद फिर मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो ट्रैक्टर को स्टार्ट कर रहे थे, वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने घास काटनी थी तो जो उनका हेल्पर है वो था नहीं, कहीं गया हुआ था। तो उसके बाद फिर हम लोग घास काट रहे हैं, इसको कहते हैं टोका। मैं इसके पीछे पीछे वो जो होता है ना टोका, उधर घास लगा रही थी और मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे ना वो काट रहे हैं। उसके बाद फिर वो थक गए थे, फिर मेरे हस्बैंड काटने लग गए। और फुल सर्दी थी जब वो काट रहे थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। ये कितने इतने ज़ोर वाले काम होते हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इसमें ना एनर्जी लगती है। मैं तो करने लगी, मुझसे तो हुआ नहीं। और जिसको डंडे से को घुमा रहे थे ना वो मुझसे हिला ही नहीं, वो बाहर निकल जाता था। तो पहले एक दो दफ़ा मैंने किया है, ऐसे मेरे मामू के घर ये लगा हुआ होता था टोका, तो उधर हम लोग काट देते थे। कभी मामू घर जाते थे तो वहाँ घास काटते थे टोके के साथ। और जुम्मे को मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है तो फिर हम लोग उधर गांव जाते हैं। तो फिर हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ पे। ये छोटा सा बच्चा है, ये इनका बेटा था, वो भी घास उठा उठा के ना साथ में रख रहा था मेरे। हमने इसको घास को इतना ज़ोर ज़ोर से प्रेस किया, उसके नीचे जो लकड़ी रखी हुई थी वो नीचे गिर गई। घास काटने के बाद फिर थोड़ी सी घास उठा के मेरे हस्बैंड ने उनके जानवरों के आगे डाल दी थी। उसके बाद फिर हम ये सास हमें घर बुलाई थी, फिर हम लोग घर चले गए। उन्होंने जानवर साग तोड़ने तो फिर हम घर चले गए। आप भी सोच रहे हैं घास इन्होंने काटी तो डाल ये साबित रहे हैं। तो वो जो घास काटी थी ना उसमें उसने जो होती है तूड़ी वो डाल के डाली थी उनको। तो वो भाई अंदर से लेने गए थे, फिर उसके बाद हम लोग चले गए नींबू तोड़ने। और नींबू तोड़ते हुए मेरे बाजू पे इतने ज़्यादा कांटे लगे बहुत ज़्यादा, और ये सारे नींबू जो थे ना वो नीचे लगे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने नींबू तोड़े। उसके बाद फिर हम तोड़ तोड़ के ऐसे घास पे रखे थे, उसके बाद फिर हमने चापे में डाल दिए। ये देसी वाले नींबू हैं, देखिए कितने मोटे मोटे हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।
और आप बताएं मुझे कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। ये इतना ग्रीन ग्रीन था ना घास, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे लहसुन जो होता ना ग्रीन वाला वो तोड़ने। टूटा मुझसे कोई भी पूरा नहीं, मैं जैसे तोड़ती थी वो ऊपर से रूठ जाता था जो पूरा निकलता नहीं था। और मेरे हस्बैंड धनिया तोड़ रहे हैं, वो भी उन्हें तोड़ना नहीं आ रहा था, वो छोटा छोटा धनिया था वो पूरा पूरा तोड़ के मुझे पकड़ाई जा रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि लाए मैं तोड़ती हूँ, मैं तोड़ने लगी, मैंने जड़ के लिए थी उसको बाहर निकाल लिया। और जो छोटा बच्चा था वो कह रहा था कि मैं आपको मूलियाँ तोड़ कर देता हूँ, वो मूलियाँ तोड़ने लगा, उसने मूली भी पूरी आधी तोड़ दी और आधी उसी के अंदर रहने दी। और फिर हम शाम को आ गए थे घर, उसके बाद हम लोग बाहर से लेने गए थे खाना, और मैंने कोई और फ्रूट्स लेने थे, उसके बाद बैलेंस बनवाना था। तो आज फिर घर में खाना पकाने का बिल्कुल नहीं दिल कर रहा था, तो इसलिए हम लोग बाहर गए। वहाँ से हमने लिया था चिकन, 3 चिकन पीस लिया था, उसके साथ रोटियाँ ली थी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और ऐसे लग रहा था जैसे कच्ची कच्ची सी हो, ऊपर से ना जली हुई थी। 3 पीस जो था वो अच्छा था। ये इस बड़े से देचके में उन्होंने रखा हुआ था, और रोटियाँ इतनी देर तक लाइनों में लग के रोटियाँ लेनी पड़ती हैं। और जो हमने ओरेंजेस लिए थे ना वो बहुत ही फ्रेश थे और ऐसे चमके दमके मार रहे थे। और अब मैं निकालूंगी खाना, खाना निकाल के तब हम लोग खाने लगे खाना। तो उसके बाद ये देखिए इस तरह की रोटी थी, इसके ऊपर ना ऐसे काले काले से मांस से बने हुए थे। इसके बाद मैं अब निकाल के रखूंगी ऑरेंजेस, रात को खाने के बाद निकाल लेती हूँ। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और मेरे व्लॉग को एंड तक देखा करें और लाइक किया करें। इसके साथ हमने एक नमक भी लिया था। और मैं मिलूंगी आपको कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।